दोस्तों, हिंदू धर्म का मानना है कि ईश्वर, जो शुद्ध आनंदमय और दयालु है, किसी को दंड या पुरस्कार नहीं देता है। वह हमारे विचारों और कर्मों के आधार पर हमारी नियति को आकार देता है। ऐसे में किसी व्यक्ति का प्रत्येक कार्य, विचार या कर्म में अच्छे या बुरे परिणाम लाता है, जो कार्य की नैतिक गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इस कहावत के अनुसार, जैसा इंसान बोएगा वैसा ही काटेगा। मानवीय कार्य बिना परिणाम के नहीं होते। सभी कार्यों के नैतिक परिणाम प्रकृति द्वारा संरक्षित होते हैं। आपको शायद पता ना हो, परमेश्वर सभी अच्छी और बुरी चीजों का सटीक हिसाब रखता है। इस अनंत ब्रह्मांड पर इससे बेहतर कोई अकाउंटेंट नहीं है। यदि कोई व्यक्ति धर्मी कर्म करता है तो वह अगले जन्म में बेहतर जीवन में जन्म लेगा। उदाहरण के लिए, एक अनैतिक जीवन जीने वाला पापी अगले अवतार में गरीब इंसान या जानवर के रूप में जन्म लेगा। व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेता है। जन्म और पुनर्जन्म का ये चक्र तब तक जारी रहता है जब तक व्यक्ति मोक्ष या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता।